राहुल गांधी 20 जून की देर रात अपनी अमेरिका यात्रा खत्म कर वापस लौट आए हैं। वहीं कहा जा रहा है कि सचिन पायलट भी दिल्ली में मौजूद हैं। संभावना है आने वाले एक दो दिनों में सचिन पायलट राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। मुलाकात का मकसद राजस्थान चुनाव बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी दिल्ली बुलाए जा सकते हैं। प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव हैं और चुनाव में जीत के लिए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ सभी नेताओं की बैठक होगी। बैठक में सचिन पायलट के भविष्य को लेकर भी फैसला होना तय माना जा रहा है। दरअसल कहा जा रहा है कि राजस्थान में गहलोत और पायलट की अदावत थमी नहीं है। बीते महीने ही अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ राहुल गांधी की बैठक हुई थी, जहां बैठक के बाद महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मीडिया के सामने अपने दोनों नेताओं को लेकर दावा किया था कि वो राजस्थान के चुनाव में एक साथ मिलकर लड़ेंगे। We will win election in Rajasthan. केसी वेणुगोपाल के इस दावे के दोहे दिन बाद सचिन पायलट जब अपनी विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, तो उन्होंने एक बार फिर अपनी मांगों की चिंगारी को हवा दे दी। नौजवानों के लिए मैंने हमेशा संघर्ष किया और मैं समझता हूं कि अगर हम जैसे लोग नौजवानों के लिए बात को नहीं रखेंगे, तो फिर नौजवानों के मन से उम्मीद खत्म हो जाएगी। आप सब जानते हो, जो बच्चों की बात आती है, नौजवानों की बात आती है, परीक्षा की बात आती है, पेपर लीक की बात भी आती है, एग्जाम कैंसिल होने की बात आती है, रोजगार की बात आती है, नौकरी की बात आती है, वो अगर हमारी प्राथमिकता नहीं, तो हमारी प्राथमिकता क्या है? और मैंने अपने राजनीतिक जीवन में, चाहे किसी पर मैं हूँ या ना, लेकिन मेरे प्रदेश के नौजवानों के लिए मैंने कभी अपनी बात को हाथ में कभी रखी नहीं है। और आज ये इसको समझना नहीं चाहिए कि हमने बात छोड़ दी है। अपनी बात पर हम बने रहेंगे, अपने नामों को। वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार अपने दौरों में 2020 में विधायकों को पैसे बांटने के आरोपों पर खुलकर टिप्पणी कर रहे हैं। हमारी सरकार जैसे मध्य प्रदेश में चली गई, महाराष्ट्र में चली गई और चली गई कर्नाटक के अंदर, यहाँ जा सकती थी। फिर महिला ने बहुत हिम्मत का काम दिया, एक नया पैसा स्वीकार नहीं किया। इसके बाद तो लोग पैसा लेके आ गए, 500 तक आ गए, पैसा लेके आ गए, डिक्की में रखा हुआ पैसा, बता दे तू ले ये पैसा। इसने कहा मैं एक नए पर हाथ नहीं लगाऊंगी, जाइए यहाँ साहब। इतना बड़ा बहादुरी का काम इसने किया, मैं कैसे भूल सकता हूँ, बताइए इसको। इसी बीच 11 जून को लेकर भी खूब सियासत हुई। कहा जाने लगा कि पायलट 11 जून को कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, हो सकता है वो नई पार्टी भी बना ले। इन सब संभावनाओं के बीच एक बार फिर से महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सामने आकर कहा कि वो लगातार पायलट के संपर्क में हैं। Two things. These are all rumors. Why don't you asking the questions on the basis of a rumors? Rather, in my knowledge, there is no such movement is there in Rajasthan. So will he, is he not going to form a party? No, I told you I told the answer, but about your questions. That's all. So have you had a word with Mr. Sachin Pilot after that meeting? So many times. 2-3 times I had a word with Sachin Pilot. So, was there any meeting also, sir, with Sachin Pilot? No, don't worry about thing. We will fight unitedly. Rajasthan Congress will be together. Don't worry about it. Don't believe these rumors. खैर, 11 जून बीत गई और उन सभी अफवाहों पर पूर्ण विराम लग गया, जिनको लेकर आशंकाएं जताई जा रही थी। अब एक बार फिर जब बैठक की चर्चा है, तो कहा जा रहा है कि इस बार पायलट को प्रदेश में कोई बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा जा सकता है। आपको बता दें, 2014 में जब कांग्रेस सत्ता से बेदखल हुई थी, तो कांग्रेस आला कमान ने प्रदेश के कद्दावर नेताओं को दरकिनार करते हुए सचिन पायलट को प्रदेश की कमान सौंपी थी। और 2018 के विधानसभा चुनाव में मोदी लहर और वसुंधरा की 163 वाली आंधी को पीछे छोड़ कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की थी, जिसका श्रेय सचिन पायलट को ही मिला था।